कोरबा में मीडिया फॉर सपोर्ट की खबर का हुआ असर। बुधवारी बस्ती स्थित गांधी स्मारक की बदहाली की खबर मुख्यता से दिखाए जाने के बाद निगम अमला, स्थानीय युवा व राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता जागे। गांधी स्मारक पहुंचकर की साफ सफाई। युवाओं और बच्चों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लगाए गांधी जी अमर रहे के नारे। स्थानीय युवाओं ने बताया कि मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज पर खबर प्रमुखता से दिखाए जाने पर निगम वार्ड के युवा और भाजपा कार्यकर्ताओं ने सुध लेते हुए गांधी स्मारक की साफ सफाई की। ये बुधवारी बाजार गांधी पुतला का जगह है, स्थान है शिशु मंदिर के सामने, और यहाँ पे पूरा हर हमेशा ना गंदगी का आलम बना हुआ रहता है, और ये एक प्रकार से अवैध जगह हो टाइप का हो जाता है। यहाँ जितने दारू पीने वाले हैं, गांजा पीने वाले हैं, इनका अड्डा है। निगम इस पे ध्यान नहीं देती है, लाइट बंद रहती है, और जितना गलत काम है सब यहीं पे होता है। क्या है, आप लोग द्वारा जो खबर चलाया गया है उसको देखते हुए निगम के कर्मचारी आके यहाँ साफ सफाई करवाए हैं, और बीजेपी और कांग्रेस आज ही के दिन इसको याद करती है और बस माला चढ़ा के अपना जो फॉर्मेलिटी का काम है वो पूरा करके चले जाती है। प्रतिमा भी जर्जर स्थिति में है, और यहाँ का बाउंड्री भी जर्जर स्थिति में है, और हर हमेशा मतलब निगम पे कई बार शिकायत करने के बावजूद भी स्थिति को सुधारने के पक्ष में नहीं रहती है, बस अपना काम करती है। 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती मनाए के लिए झाड़ू उड़ू लगा दिए और उसके बाद अपना काम पूरा हो गया, चले जाते हैं। वर्तमान स्थिति में तो गांधी जी की प्रतिमा बिल्कुल क्षतिग्रस्त स्थिति में है, आप उसको देख सकते हैं, चश्मा टूट चुका है। मतलब ये अपमान का एक तरीका है, और इसमें मतलब नगर निगम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। हम ये चाहते हैं कि नई मूर्ति लगे, नई प्रतिमा लगे, साथ में ये प्रतिमा का जो मुख इस तरफ है उसको उल्टे साइड में लगे, क्योंकि अब बस्ती उस तरफ है। पहले यहाँ पर ये सब स्टेशन था, मतलब है सब स्टेशन, इस तरफ अभी मूर्ति है, उसको अपन दूसरे तरफ भी करवाना चाहते हैं नई मूर्ति के साथ। बीजेपी कांग्रेस वाले आज के दिन ही मतलब नेता लोग आज के दिन ही याद करेंगे। अभी तो बीजेपी के कुछ लोग आए थे जी, लेकिन अभी उन लोग ऐसे फोटो सेशन हुए हैं, बाकी माला वाला नहीं चढ़ा हुआ है। आप देख सकते हैं अभी गांधी जी की प्रतिमा को, मतलब बीजेपी वाले आए थे फोटो खिंचा के चले गए। यस यस, फोटो खिंचा के अपना चले गए हैं। मोर बचपना हा ई प्रांगण में चालू हो रही से, मैं बचपन से देखे, चाहे आज हमारे यहाँ के मंत्री रहे, विधायक रहे, चाहे महापौर रहे, ये मन बचपन में आए महात्मा गांधी के, जब हम छोटे छोटे रहें तो देखे ना आके माल्यार्पण करके या ध्वजारोहण करके चल रहे, लेकिन आज इतना गंदा स्थिति है हमारे गांधी चौक के जेकर कोई सीमा नहीं है। हमारे ग्रिल ले जाते हैं उठा उड़ा के, रात में शराब में जुआ के अड्डा बनाता रहे यहाँ कहूँ तो। और महात्मा गांधी जी के आप मूर्ति देख लो, आप मूर्ति पूरा छत जेकर सरासर अपमान है। और आज के दिन जेमा भारतवर्ष में सब कोई पूजा थे, कई जगह करे हो सम्मान होते, लेकिन आज ये प्रांगण में न कोई विधायक, न मंत्री, न यहाँ कोई जनप्रतिनिधि, यहाँ अभी तक कोई नहीं पहुँच पाए, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। सब चीज़ को मंत्री दिया हमारे यहाँ, एक तो जैन शराबरी से जेकर स्थापना करवाई से हुआ, जब से अपन जब तक वह पूरा करी, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व आज हम आगे बढ़थन, कुछ करे वो करथन, अच्छा प्रयास करथन, पेड़ भी लगाने मेरा पेड़ बड़े होगी, लेकिन कुछ युवा पीढ़ी शराब पी के अगर हम आगे बढ़ाथन तो ओमन कुछ न कुछ एक विडम्बना पैदा करते और नुकसान करी क्षति बची। लेकिन शासन अभी थोड़ा से कर मेंटेनेंस पर ध्यान देना चाहिए, शासन प्रशासन अगर सब जगह में रोड नाली रहा, हर जगह कंस्ट्रक्शन कराते तो एक छोटे से धरोहर है, यूँ थोड़ा सजा के कोशिश करती इस नगर निगम। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट।